देखो जी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, वेयर वेक्टर ए इज पासिंग पॉइंट लाइक एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन, वेक्टर बी कंटेनिंग डीआर यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी प्लस सी। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं इसके। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन passing through 1, minus 2 and 3 and parallel to vector 2y plus 3j plus 4. ये है टाइप, तो पासिंग पॉइंट ये है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर a इज पासिंग पॉइंट I minus 2j plus c and direction ratios parallel to वही direction ratio हो जाएंगे 2y plus 3j plus 4. Therefore vector equation of line I minus 2j plus 3j plus lambda 2y plus 3j plus 4. ठीक है जी, हो रहा था। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5, 6, माइनस 7 एंड पैरेलल टू वेक्टर आई प्लस जे प्लस 3। तो जो पासिंग पॉइंट अब हो जाएगा ए 5y प्लस 6j माइनस एंड पैरेलल टू ए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है i प्लस j प्लस। ठीक है जी, एक और कर लो। Find the vector equation of line passing through 3 minus 4, 5 and parallel to vector I plus J minus 6. Passing point किसके बराबर होता है? A के बराबर। Therefore, vector equation of line 3i minus 4j plus 5j ठीक है, ये हो गया टाइप, करो नोट।
देखो जी, यदि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन याद हो तो क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, ठीक है जी, ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन, ये होती है वेक्टर, ठीक है, चले आगे। करेंगे टाइप वन ए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 4, 5 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i + j + 3 के, पासिंग पॉइंट दिया 1, 4, 5, यानी वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 4j + 5, वेक्टर b जिसकी डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है जी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, y + j + 3, ठीक है जी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 and 4 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i + j + 6, तो जो पासिंग पॉइंट है वो ए है, 2i - 3j + 4 के, ठीक है जी, एक और देखो, दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर टाइप के करे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 9, -6, 3 इन द डायरेक्शन ऑफ i + j - k, तो वेक्टर ए हो गया 9i - 6j + 3, वेक्टर बी हो गया i + j - k, ये हो गया टाइप वन। करो जी नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। टाइप वन ए भी हो गया। अब चलते हैं टाइप टू।
find the vector equation of line passing through 2, 1, 3 and 5, minus 1 and 4. यानी हमें दिया हुआ है x1, y1, z1, x2, y2, z2. ठीक है जी, a निकाल लो x2 minus x1, b निकाल लो y2 minus y1, c निकाल लो z2 minus z1. ठीक है जी, got it. तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b. वेक्टर a जो होता है इसमें पासिंग पॉइंट होते हैं, यानी x1 y1 z1 2y प्लस j प्लस 3k. वेक्टर b वो होता है जिसमें, ठीक है जी, प्लस लैम्डा. लो ये इक्वेशन ऑफ लाइन कम. एक और देखो, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेंगे तो हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा. 5, 4, 6 पासिंग पॉइंट. पासिंग पॉइंट होगा 5a प्लस 4j प्लस 6k एंड वो b पार्ट होता है जिसमें डायरेक्शन रेशियो लिखा जाता है. डायरेक्शन रेशियो हो गया 4i माइनस 11j माइनस 4. दो क्वेश्चन करवा दिए हमने आपको, इसके अच्छे से कर लीजिए, दो होमवर्क में लिख लीजिए. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 1, 3, 2, 1 माइनस 3, 5 माइनस 4, पासिंग थ्रू 5 माइनस 4 माइनस 6. करो जी, नोट करो.
द एंगल बिटवीन टू लाइन वेक्टर आर की इक्वेशन है ना, 3i प्लस 4j माइनस प्लस लैम्डा आई प्लस जे माइनस टू ठीक है जी, आई प्लस जे प्लस के प्लस न्यू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर Got it. तो जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, वैसे जो फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सिखाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा B1, ये आ जाएगा, आप इसको इसमें ऐसे लिखेंगे वेक्टर B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2, ये B1 है ये B2, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन, मैग्नीट्यूड वैसे निकलते हैं आपको पता ही है, वन इंटू वन, वन इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू फोर, ये आ रहा है आपका पास 9, 10, 11, 16, 9, 36 हो गए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, 3, 4, 4 में से 12 के 8 रूट 36 two lines whose equations are two y plus j minus y plus j plus 3 mu i plus j minus k तो cos theta होगा vector b1 dot vector b2 2i plus 3
लॉज सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन इसका आना ही आना है 100% श्योर श्योर। अब देखो मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हेन टू लाइंस आर नाइदर पैरेलल and nor intersecting neither parallel nor intersecting, then a chord making an angle of 90 degree with both the lines is known as shortest distance. जैसे दो लाइनें हैं, ना तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, ना ये पहले ना इंटरसेक्ट हो रही है, यानी इनकी लेंथ एक कॉर्ड जो इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो ये चीज है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टू माइनस वाई ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस, ठीक है जी। तो किसी दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 6 मार्क्स में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है जी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी आएगा तो ये मॉडुलस है, ऊपर ये मॉडुलस है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे, ठीक है जी। अगला है मीनिंग ऑफ स्क्यूड लाइन, when two lines are neither parallel nor intersecting is known as skewed line, ठीक है जी। If two lines are intersecting, then
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, अगर किसी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। नंबर थ्री, ऑलवेज चेक वेदर लाइंस आर पैरेलल और नॉट, इफ पैरेलल देन shortest distance A2 minus A1 dot B1 divided by magnitude of vector, ठीक है जी। तो ये भी फॉर्मूला, ये अब आपका आएगा shortest distance, 100% क्वेश्चन इसका आना ही आना है। क्वेश्चन आता है आपका सिक्सवा, नोट करो, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन करते हैं इसका, ये टाइप 4 चल रहा है आपका। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस जे प्लस 4 के प्लस लैम्डा प्लस न्यू, आई माइनस सी के, टू आई प्लस 3 जे प्लस 6 के, न्यू 2y प्लस 5j माइनस q, ठीक है जी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, a2 माइनस a1 डॉट b1
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सबसे पहले चेक कर लो कि लाइनें पैरेलल तो नहीं है कहीं, जैसे 1/2, 0/5, -3, -1, लाइनें पैरेलल नहीं है, लाइनें पैरेलल नहीं है। तो एक एक करके निकालते हैं। वेक्टर a1 है i+j+4, वेक्टर a2 है therefore a2 - a1, i j में से j गया 2j plus, ऐसे वेक्टर b1 cross वेक्टर b, i j k, i1 j 0 है इसमें, k -2 2 5 - फर्स्ट रो फर्स्ट 0 -1, फर्स्ट रो सेकंड प्लस 5 - 0, 15 i -5 2 + 5। देर पर मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, साथ में फिट करना हमें तो। फिट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए i+2 0+2, i -5 j + 5 डिवाइडेड बाय 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है जी ये, 6 marks, not a small thing. सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, फटाफट इसके मैं सारे आपको टाइप्स करा दूँ।
ठीक है जी, चले आप। छह मार्क्स का क्वेश्चन है, टेक इट सीरियसली, तो बहुत आसान, बहुत बहुत आसान है। प्लस लैम्डा 3i - j + k, -3i - 7j + k। ये ए वन है, ये बी वन है, ये ए टू है, ये बी टू, ए वन ए टू, ए वन है 3i + 8j + 3k, ए टू है -3i - 7j + 6k, देयरफॉर वेक्टर ए टू माइनस ए वन -15j + 3k, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, ये बी वन है, ये बी टू, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट रो थर्ड, -6i - 15j + 3, तैयारी हो चुकी है, फॉर्मूला लिखो जी, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू नंबर कंफर्म हो गया। कितना इजी टाइप, ध्यान से करोगे ढंग से तो इससे आसान कुछ है नहीं, ठीक है जी, करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका बिल्कुल फिट कर देना है।
एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ई प्लस 5 प्लस 7 आई माइनस 2 जी प्लस आई माइनस जे माइनस के म्यू 7i माइनस 6j प्लस के। देखिए जी a1 देखो a1 क्या है 3i प्लस 5j प्लस 7k i माइनस j माइनस 5 माइनस 2i माइनस 6j माइनस 12। ठीक है जी, ये b वाला पोर्शन होता है। ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 12 प्लस 4 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पीछे वाली चीजें अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस जे प्लस 13 फिर निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड। आप ध्यान से रखिए, ये क्वेश्चन आपका आना है कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स। ठीक है जी, फिट करो यहां पर a2 माइनस a1 जो डिस्टेंस होता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। माइनस 140 अपॉन रूट 290 क्योंकि हमने इसे मॉडुलस लगाया हुआ है तो डिस्टेंस ऑलवेज भी यूनिट्स। ठीक है जी, करिए अब दो तीन क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी, 6 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ध्यान से कीजिए।
ठीक है जी, चले आगे। होमवर्क में क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाता है तो लाइन क्या होती है? इंटरसेक्ट। लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। होमवर्क में तीन क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। टू आई माइनस जे माइनस के टू आई प्लस जे प्लस टू के। आंसर आएगा इसका 3/√18। होमवर्क कर लोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। 6 मार्क्स हैं, फ्री फंड के 6 मार्क्स हैं। आप नोट ध्यान से, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई माइनस जे, और जरूर चेक करो कि लाइनें कहीं पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, आई माइनस जे प्लस लैम्डा टू आई प्लस के। वेक्टर आर इज इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस म्यू आई प्लस जे माइनस के। आंसर आएगा इसका 1/√40। वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। प्लस लैम्डा टी आई माइनस जे फोर आई माइनस के म्यू टू आई प्लस थ्री। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया? जीरो। देयरफोर लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट। ये तीन क्वेश्चन नोट करो, तो टाइप 4A करेंगे, बी भी करेंगे और सी भी करेंगे।
ठीक है जी, चलो जी आ गए। टाइप 4a, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन हूज इक्वेशन आर, ये इक्वेशंस दी हुई हैं आपको कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस सिक्स ओवर वन, y माइनस ओवर माइनस टू, z माइनस सिक्स ओवर वन, z माइनस टू ओवर टू सर। x प्लस फोर ओवर थ्री इज इक्वल टू y ओवर माइनस टू z प्लस वन ओवर टू, ठीक है जी। लाइन पहले ये बनेगी, ये पासिंग पॉइंट है सिक्स टू टू, सिक्स आई प्लस टू जे प्लस लैम्डा आई माइनस टू जे प्लस टू। दूसरी लाइन पे आ जाओ, यहाँ पर माइनस फोर आई जे है नहीं, जीरो जे प्लस के माइनस वन के थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू, ठीक है जी। अब स्टोरी सेम, दैट इज अगेन ए वन ए टू माइनस ए वन माइनस टेन आई माइनस टू जे माइनस थ्री, ऐसे बी वन क्रॉस बी टू निकाल लो, आई वन माइनस टू, बाकी तो वही है सब कुछ। फर्स्ट रो फर्स्ट माइनस फोर प्लस फोर, ठीक है जी, माइनस फोर प्लस फोर माइनस जे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू माइनस सिक्स प्लस के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस टू प्लस सिक्स, जीरो आई प्लस फोर जे, बस कन्वर्जन की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद बहुत आसान है। इसका भी 16, इसका भी 16, चार टू रूट ठीक है, इसका भी चार हो जाएगा फोर रूट, ये तो नीचे आ ही जाएगा
जीरो माइनस एट माइनस ट्वेंटी ठीक है जी, करो नोट, बाकी होमवर्क में लिखवा देते हैं इसको कुछ। बाकी होमवर्क में लिख लीजिए कुछ, ठीक है जी। जिसने नोट ना किया हो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। y माइनस सेवन ओवर इज इक्वल टू z प्लस थ्री ओवर माइनस फाइव, x माइनस एट ओवर माइनस सेवन इज इक्वल टू y माइनस फोर ओवर वन। जेड माइनस फाइव ओवर पहले कन्वर्ट कर लेना फिर आंसर निकाल लेना। आंसर है इसका 376 ओवर रूट 187, एक्स ओवर वन, वाई प्लस थ्री ओवर टू, जेड प्लस वन ओवर टू, x माइनस थ्री ओवर टू, y ओवर जीरो, z प्लस वन ओवर माइनस, ठीक है जी। गॉट इट, इसमें आंसर आएगा 28 अपॉन रूट सेवन। करो नोट दो क्वेश्चन, तब अगला टाइप करते हैं।
करेंगे टाइप 4B। Find the shortest distance between two equations. करेंगे पहले पहले क्वेश्चन को सेटल करेंगे, पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे सेटल। ये नंबर लेने हैं तो ये सब करना बहुत जरूरी है। लो जी पहली वाली इक्वेशन अगर करें आई माइनस टू जे प्लस थ्री जे, अब ये t वाली है t कॉमन ले लिया माइनस आई प्लस j माइनस टू के वेक्टर r आई माइनस j माइनस s कॉमन ले लिया s वाले अलग कर लिए i प्लस टू जे माइनस टू, बाकी स्टोरी वही जैसे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। जीरो प्लस j माइनस फोर जे बी वन क्रॉस b2। लो ये b1 है ये b2 i j माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस टू प्लस फर्स्ट रो सेकेंड टू प्लस फर्स्ट रो थर्ड रो माइनस टू माइनस टू आई माइनस फोर से माइनस टू जी, बाकी स्टोरी वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ ठीक है जी। लो जी जीरो माइनस फोर प्लस फोर ये भी एक टाइप होता है ठीक है जी। करो ये होगा टाइप फोर बी।
चले आओगे, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। टाइप 4C, जैसे अब ध्यान से देखिए, वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k लैम्डा 2i माइनस j प्लस 3k। म्यू 4i माइनस, अब ध्यान से देखो, जो प्लेन है पैरेलल है, प्लेन क्या है पैरेलल। अगर आप डायरेक्शन रेशियोज में आप चेक करेंगे तो प्रोपोर्शनल निकलेंगे, क्या निकलेंगे प्रोपोर्शनल। चेक कर लो, 2/4 1/2 -1 -2 1/2 3/6, देखिए 2/4 -1/-2, ठीक है जी। सो प्लेन आर पैरेलल, सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा वो इस फॉर्म से निकलेगा, डॉट वेक्टर वी वन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक जरूर करना है, कोई सी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का चेक जरूर करना। B1 2y माइनस j प्लस डिवाइडेड बाय आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और सी भी नहीं पड़ रहा, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ये दो क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 11.2, ठीक है जी। वैसे सब कुछ हो चुका है इसमें, जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे हम करवा देंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2, जो हमने आपको टाइप्स कराए हैं लाइन के, कार्टेशियन में, वेक्टर में, वो सारे इसके लिए कवर्ड है। आप इसे एक बार कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।